बैक टू एवरी वन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लैंड और स्पेन के बीच जो आज पहला T10 का मैच होगा इसके बारे में। तो गाइज देखिए, चैम्पियनशिप वीक है ये, या फिर आप ये मान लो सीधी भाषा में कि ये फाइनल वीक होगा। इसके बाद जो है ना, कोई मतलब ऐसा नहीं होगा कि मंडे को टीमें आएंगी खेलने के लिए। ये फाइनल वीक है। इंग्लैंड की टीम पहली बार आप इसलिए देख रहे होंगे क्योंकि ऑलरेडी क्वालिफाई थी। स्पेन की टीम और जो नीदरलैंड हो गई, स्कॉटलैंड हो गई, ये जो अदर टीमें थी, इन्होंने वीक्स के अंदर अपने जो ग्रुप थे ABCD, इनमें विनिंग करके फिर ये यहाँ तक पहुँची है। तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा अभी तक मतलब टीमों का, और हमारा भी रहा था लास्ट के 2 दिनों को छोड़ के। यानी कि हमारा लास्ट के 2 दिनों से अच्छे मैचेस नहीं गए थे, जैसा मैंने आपको बोल ही दिया था। ठीक है, उसके बाद अब आज से हम मतलब मैचेस कवर कर रहे हैं और मैचेस काफ़ी अच्छे भी अवेलेबल हैं, तो ध्यान से देखना वीडियो को। हम पूरी कोशिश करेंगे इस मैच में बहुत अच्छी विनिंग करने की। ठीक है, तो बट उससे पहले ये बात ध्यान देना, जो भी भाई मतलब इस वीडियो को देख रहा है तो उनका सबसे पहला काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट है टेलीग्राम से ज्वाइन होना। अब देखिए, टेलीग्राम से ज्वाइन होने का रीज़न क्या है, तो वो बहुत सिंपल सा रीज़न है। जो ये मैच होगा, इसकी जो फाइनल टीम होगी, जैसे टॉस हो जाएगी, जो टीम बैटिंग कर रही है, बॉलिंग कर रही है, उसके अकॉर्डिंग जो फाइनल टीम आएगी वो टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तो जितने भी यूजर्स वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो वेन्यू वही रहेगा सेम, जहाँ पे चारों ग्रुप के मैचेस हुए थे, काटमा ओवल के अंदर। और काटमा ओवल के बारे में मैं आपको ये बोलूँगा, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बैटिंग होती है, और इंग्लैंड और स्पेन, इंग्लैंड की टीम इस टूर्नामेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है, ये बात आप ध्यान में रखना। इनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी है और बॉलिंग लाजवाब है। इवन मैं बोलूँगा दोनों लाजवाब है, लेकिन बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो गाइस देखिए, काटमा ओवल पे लास्ट के 10 मैचेस में जिस टीम ने पहले बैटिंग की है वो 4 मैच जीती है, बॉलिंग की उन्होंने 6 जीते हैं। लेकिन मैं इतना क्लियर कर दूं कि इंग्लैंड अगर बैटिंग करेगी तो भी वो विन कर सकती है, और बॉलिंग करेगी तो भी वो विन कर सकती है। हालांकि स्पेन को आप कमज़ोर मत समझना, क्योंकि स्पेन अभी अपने टूर्नामेंट के एक भी मैच को नहीं हारी है। लास्ट के 5 मैचेस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो दोनों टीमों का इक्वल परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन इंग्लैंड थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंग्लैंड 11 नई टीम थी, इसलिए मैंने पहला इन्हीं का प्रेफरेंस दिया आप यूजर्स को। तो देखिए, हैरिसन वार्ड, जिनके 18 मैच में 595 रन है, ये ओपनिंग करेंगे डैन लिंकन के साथ, जो विकेट कीपर सेक्शन में आपको दिखेंगे। लिंकन का सिलेक्शन 50% है, और इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, ओपनर प्लेयर है, हार्ड हीटर बैट्समैन है। 19 मैच के अंदर इनके 594 रन है। फिर आएंगे बेन क्लाइडन, जिनके 5 मैच में 203 रन, 2 विकेट, ODD फॉर्मेट प्लस T20 दोनों को मिला के, और ये एक ओपनर बैट्समैन है। ये जो डैन लिंकन है ना, ये मतलब वैसे तो ओपनिंग भी करता है, लेकिन ये वन डाउन भी खेल लेता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आपने इंग्लैंड के लास्ट जो सीरीज थी, मतलब 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें आपने देखा होगा लिंकन वन डाउन भी आता था, लिंकन ओपनिंग भी करता था। तो यहाँ से बेन क्लाइडन ओपनिंग कर सकता है, जिनके 5 मैच में ही, लेकिन ये T20 फॉर्मेट है, और जो अदर प्लेयर्स हैं इनका T10 का रिकॉर्ड है। तो उसके अंदर ये देखना, 5 में 203 रन के साथ 2 विकेट भी है, यानी कि एक बहुत अच्छा प्लेयर है, और टॉप ऑर्डर में ही बैटिंग करेगा। और बेन क्लाइडन की अगर मैं बात करता हूँ तो इनका सिलेक्शन 74 है। ठीक है, उसके बाद थॉमस बेवन है, ये भी एक ओपनर प्लेयर है, लेकिन ऑलरेडी इनके पास काफ़ी सारे मतलब प्लेयर्स अवेलेबल है, तो मेरे अकॉर्डिंग इनको हिटिंग के लिए 4थे नंबर पर भेजा जाएगा। इनके 18 मैच के अंदर 266 रन है। टॉम कीस्ट है, जिनके 4 मैच में 108 रन है। एंडी रिस्टन है, 19 मैच के अंदर इनके 12 विकेट है। और उसके बाद आएंगे एलियट कालिस, 6 मैच के अंदर 117 रन, ODD प्लस T20 दोनों फॉर्मेट के। फिर आएंगे सेम पियर्स, जिनके 18 मैच में 23 विकेट, सबसे ज़्यादा मतलब विकेट लिए थे इन्होंने अपनी टीम की तरफ से, लास्ट सीजन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये T20 फॉर्मेट का नहीं, T10 का रिकॉर्ड इनका। उसके बाद आर्थर गोडसेल है, ये भी एक विकेट टेकर बॉलर है, 17 मैच में इनके 19 विकेट है। एलेक्स रसल है, जो मैन स्पिन बॉलर है इनके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इनके 14 मैच के अंदर 19 विकेट है। फिर आएंगे मुंगो रसेल, जिनके 8 मैच में 6 विकेट और प्लस पॉइंट 136 इनके रन्स हैं। ओपनिंग करेंगे मुंगो रसल एंडी रिस्टन के साथ, और डेथ ओवर्स में आएंगे एलेक्स रसल आर्थर गोडसेल के साथ। देखिए, एलेक्स रसल
इसलिए मुझे ज्यादा अच्छा लगता है मतलब अदर प्लेयर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि एक तो ये लेग ब्रेक गुगली वाला प्लेयर है, मतलब स्पिन बॉलर के साथ साथ डेथ में आएगा। आप जैसे एग्जांपल के लिए चहल को डेथ में भेज दो, तो चहल विकेट टेकर रहा था ना, जैसे संजू सैमसन ने यूज लिया था राजस्थान रॉयल्स में सैमसन का डेथ में आना, तो बंदे को रन्स तो पड़ते थे नहीं, मारने के चक्कर में बैट्समैन आउट ऑन होते थे, तो वहां पे ये एक बहुत ही शानदार प्लेयर रहेगा। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि आज की टीम में लोगों का कैप्टन वाइस कैप्टन पता है कौन होगा, ये तो धीमन होगा या फिर इनके, अभी एक चीज और बता दूं आपको, एक प्लेयर नहीं दिख रहा होगा वो है मोहम्मद बाबर स्पेन की तरफ से, और वो नहीं खेल रहा है ना, इसीलिए स्पेन अभी बहुत कमजोर टीम हो गई है, क्योंकि उसी की वजह से टीम स्पेन की फाइनल मैचेस को विन करके आ रही थी, है ना। अब वो नहीं है तो वैसे ही फेवर हो गए इंग्लैंड के विनिंग चांसेस, क्योंकि वो हिटिंग भी देता है इनको और बॉलिंग भी तगड़ी देता। तो देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर इंग्लैंड की टीम बॉलिंग करती है इस मैच के अंदर पहले, और इनके पास स्पिनर्स ज़्यादा नहीं खेलते हैं, क्योंकि ये कभी भी बॉलिंग अटैक से स्पिन का आवर काट भी सकते हैं, ये बात ध्यान देना है ना। तो अगर मान के चलिए जैसे दो ही स्पिनर खेलते हैं, तो फिर ये वन ऑफ द टॉप क्लास कैप्टनसी का चॉइसेस है, क्योंकि बहुत शानदार बॉलर है, बॉलिंग में कोई कमी नहीं है, और डेथ ओवर्स में आएगा बॉलिंग के अंदर, मतलब जब टीम पहले बॉलिंग करेगी तो हाई चांसेज है ये बहुत शानदार तरीके से आपको पॉइंट देके जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखना, थोड़ा सा रिस्क है लेकिन रिवार्ड भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। उसके बाद आएंगे हम बेंच में, तो टॉम डेनिस और जाफेर चौहान सेकेंड टीम यहाँ पे स्पेन की है, यहाँ पे मोहम्मद बाबर के रिप्लेस में यासिर अली ऐड हुए हैं, और यासिर अली मोहम्मद बाबर दोनों इक्वल लेवल के प्लेयर हैं। यासिर अली का अगर आप देखोगे 58 मैच में 1540 रन और प्लस पॉइंट 28 विकेट हैं। इनके साथ ओपनिंग करेंगे मोहम्मद एहसान, जिनके 63 मैच में 1461 रन और 3 विकेट हैं। फिर वन डाउन आएंगे मोहम्मद कामरान, जिनके 57 मैच में 767 रन 48 विकेट, ये आपको बॉलिंग में दिखेगा, लेकिन ये इस मैच में मोस्ट प्रोबेबली वन डाउन बैटिंग करना चाहिए। फिर आएंगे डेनियल डॉयल कैली, जिनके 9 मैच में 204 रन, और ये इस टीम का सेकंड सबसे तगड़ा हिटर है। उसके बाद आएंगे क्रिश्चियन मनोज मिल्स, ये उतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है नहीं, आप चाहो तो ले सकते हो। लोन बंस है, 10 मैच में 262 रन 11 विकेट। ये मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, स्पिन बॉलर्स के अंदर, स्पिन बॉलर्स जो रहेंगे उनमें मतलब वन ऑफ द टॉप ही मान के चलिए आप लोग, यासिर अली तो है ही, उनको तो बताने की है ही नहीं, वो दो ओवर करेंगे, तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये दो ओवर करना चाहिए, क्योंकि ये विकेट टेकर बॉलर है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको दो मतलब अपने स्पेल के T20 में 4 ओवर दिखाएगा और T10 फॉर्मेट में 2 ओवर दिखाएगा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन इनके पास देखोगे ना स्पिनर्स काफ़ी सारे हैं और सारे स्पिनर्स आ नहीं सकते हैं। देखिए यासिर अली स्पिनर है, उसके बाद आओगे आप लोग लोन बंस स्पिनर है, फिर यहाँ पे आप आओगे तो गुरियंग महयावंशी स्पिनर है, और यहाँ पे चार्ली स्पिनर है, तो मतलब सब तो कर नहीं सकते ना, तो थोड़ा सा इसलिए मैं भी भाई मतलब फुल कॉन्फिडेंट के साथ नहीं कह सकता ना कि दौर करेगा ही, क्योंकि चार बॉलर खेल रहे वो भी स्पिन में, और बॉलर ही खेल रहे हैं, मतलब यासिर अली करेगा दो ओवर कन्फर्म है, लगभग श्योर है, है ना। लेकिन यासिर अली ने अभी स्पेन का जो टूर्नामेंट हो रहा था ना उसमें नहीं किया था, अभी जो ग्रेशिया टीम हो गई, कैटलुयाना हो गई, तो उनमें नहीं किए थे, तो हो सकता है ना भी करें, मैं ऐसा फिक्स नहीं कह सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ये बड़ा मैच है, बाबर खेल नहीं रहा है, बड़ा प्लेयर है तो करना चाहिए, बाकी देखते हैं जो भी होगा। ठीक है, तो चार स्पिन बॉलर्स है, फिर हमजा सलीम है, प्रिंस धीमन है, आतिफ है, तो इनके पास बॉलिंग काफ़ी तगड़ी है, कामरान है। अब क्योंकि देखिए अगर आप दो दो ओवर एक्सपेक्ट करोगे ना तो कामरान के दो ओवर शोर है, कन्फर्म दो ओवर आएंगे इस बंदे के। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो प्लेयर रहेगा वो रहेगा आतिफ मोहम्मद, इनके दो ओवर लगभग शोर है, 6 ओवर बचते हैं, 6 ओवर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर भी आप देखोगे तो मुझे जहाँ तक आइडिया है, क्योंकि बड़ा मैच है, बड़ी टीम है और यासिर अली एक बड़ा प्लेयर है, तो दो ओवर इनके भी आने चाहिए, 6 ओवर हो गए। अब 4 ओवर्स की बात आती है ना, तो यहाँ से हाँ देखिए हमजा सलीम दर, उसके बाद धीमन, उसके बाद गुरियंग महयावंशी, लॉन्स बर्न और चार्ली, ये चार प्लेयर हैं। तो उसमें भी अगर हाई चांसेस की बात करता हूँ तो यहाँ से हमजा सलीम दर के हाई चांसेज है, लॉन्स बर्न्स के और एक गुरियंग के ना, इसके चांस मतलब इसके भी कम है, धीमन के भी कम, तो ये चीज़ ध्यान देना। ओपनिंग की बात मैंने करी ली नहीं की, सॉरी कामरान, तो ये बाबर नहीं खेलेगा, ये मैंने चेंज नहीं किया है, ठीक है। मोहम्मद कामरान इस मैच में मोस्ट प्रोबेबली यासिर अली के साथ ओपनिंग करने चाहिए, बाकी देखिए फिक्स नहीं है क्योंकि कोई भी आ सकता है, कामरान तो है, बाबर तो है नहीं।
और डेथ ओवर्स में लगभग श्योर है यही दोनों आएंगे, ठीक है। बेंच में जो प्लेयर्स है वो आप देख सकते हो। नाउ गाइज, अब मैं आपको मेरी डेमो टीम दिखा देता हूँ, हालांकि जो भी फाइनल टीम होगी वो मैं जैसा बोल चुका हूँ टेलीग्राम पे दूंगा। देखिए, मैंने विभुर यादव के बारे में आपको कुछ बोला था, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर प्लेयर फ्रॉम ग्रेशिया, और आपने देख भी लिया होगा। मैंने बनाया था एक मैच में कैप्टन, तो नहीं चला। सेकंड मैच में मैं खेला नहीं था क्योंकि मेरा लक इतना गंदा चल रहा था, क्या खेलता भाई, है ना। तो सेकंड मैच में आपने देखो वो किया क्या इसने, मतलब सबसे, मतलब सेकंड मैच छोड़िए, इस मैच के बाद ये जो मैंने खेला था इस मैच के बाद हर मैच में ये लगभग लोगों का कैप्टन आया, क्योंकि मुझे पता था भाई ओपनर प्लेयर है, डेथ में आएगा, मैन प्लेयर बहुत शानदार। तो कई चीज़ें लक फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड होती जो आपने नोटिस की होगी, ठीक है। और नोटिस किया है तो आपको मालूम ही होगा। चलिए अभी मैं आपको मेरी डेमो टीम दिखाता हूँ जो मैं स्मॉल लीग में यूज करूँगा, हालांकि जो फाइनल होगी वो मैं शेयर कर ही दूंगा। अच्छा, काफ़ी लोगों का एक भ्रम भी रहता है, भ्रम क्या कि मैं ना फेक विनिंग्स देता हूँ, जो मैं बड़ी बड़ी विनिंग्स करता हूँ ना, तो मेरे भाई ऐसा मैं कभी भी नहीं किया हूँ और ना ही कभी, मतलब मेरे साथ कभी आपको ऐसा दिखेगा। देखिए, ये मैच था नाइट वाले की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे से पता ही है आपको, मतलब मेरे से ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती है, मैं खुद अफसोस करता हूँ कि यार ये मैंने क्या कर दिया, इतनी छोटी गलती होती है। जैसे हालांकि मेरे पास 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था और 2,60,000 यानी 10,000 मेरा प्रॉफिट ही आया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी आप देखोगे ना तो मतलब पता है क्या गलती, जैसे मैंने ये, मतलब देखिए अगर मैं ये गलती नहीं करता ना तो यही अमाउंट मेरा कितना हो जाता, लगभग 5.5 लाख रुपये। गलती क्या, गुलाम सर्वर को ले लिया यहाँ पे, देखिए गुलाम सर्वर को, जबकि सर्वर के बॉलिंग के, मैंने अभी आपको बोला ना कि कितने स्पिनर्स खेल रहे हैं ये ध्यान देना, क्योंकि सारे स्पिनर्स तो आ नहीं सकते बॉलिंग करने। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि भाई स्पिनर, मतलब गुलाम सर्वर भी खेल रहा है और अदर जैसे अग्रमान खान हो गई, ये स्पिनिंग करेंगे ही, तो फिर वहां से क्या हुआ ना, मतलब ये मतलब ध्यान ही नहीं दे पाया है। देख लो सर्वर, अभी आप ये देख लो सर्वर के प्रेस में मैं शेराजी को लेता 105 पॉइंट, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी एक कॉन्टेस्ट भी हारा था, क्योंकि मैं 5-6 कॉन्टेस्ट मतलब पॉइंटों से आ रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे, ये देखिए, तो मतलब बहुत ही तगड़ा, और यहाँ पे भी देखोगे तो ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी मेरी काफ़ी अच्छी विनिंग आई थी, ठीक है। तो और इससे पहले इंग्लैंड वाला मैच था, यहाँ पे भी मेरी, मतलब ये मैं कल मैचेस खेला था, लेकिन वो कहते हैं ना लक भाई मेरा बहुत ही खराब, मतलब यहाँ पे भी आप देखोगे ना, यहाँ पे क्या गलती की मैंने, यहाँ पे नाथन एलिस को ड्रॉप किया, एलिस कितना मस्त प्लेयर है, डेथ में आता है ना, और ये राशिद को लिया, बेन स्टोक्स को लिया, चलो ये तो मैं गलती मानता ही नहीं हूँ क्योंकि मैं इसको लेता ही लेता, कन्फर्म था मेरा। अब राशिद को के पैलेस में अगर नाथन एलिस आ जाता मेरी टीम में तो यही अमाउंट, क्योंकि मैंने, मतलब मेरे कॉन्टेस्ट अगर आप देखोगे ना तो सेकंड सेकंड रैंक, मतलब जो 10 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट आते वहीं पर बात कर रहा हूँ मैं, 25 मेंबर के जो 10,000 रुपये मिलते रैंक वन पे, जैसे ये देख रहे हो ना 4 रैंक, तो ये फर्स्ट सीधा। तो मेरे साथ ऐसी ऐसी चोट होती है भाई, मुझे खुद को इतना अफसोस होता है कि भाई मेरे साथ ये क्या हो रहा है। चलो कोई नहीं, अभी मैं आपको मेरी डेमो टीम दिखा देता हूँ, बाकी तो मेरी टीम में जो चेंजेस होंगे, और हाँ ये मत देखा करो कि मैं कोई फेक विनिंग्स के साथ मैं आपको स्क्रीनशॉट दूँ, क्योंकि बहुत लोग उन्हें मैसेज किया था कि भाई ये फेक है, ये मैं कभी नहीं करता भाई, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, ठीक है, जो बोलते हैं उनकी तरह। चलिए गाइस, देखिए विकेट कीपर सेक्शन की बात आती है, तो लिंकन एहसान इन दोनों के अलावा कोई अदर गुड ऑप्शन है नहीं, ठीक है, तो लिंकन ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा तो मैं इसी के साथ जा रहा हूँ। बैटिंग में आप लोग आओगे बी क्लाइडन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक, हैरिसन वार्ड का सिलेक्शन केवल 18% है लेकिन प्लेयर बहुत लाजवाब है, तो इसको भी आपको पिक करना है। और एक यासिर अली का हालांकि सिलेक्शन केवल 5% है, क्योंकि लोगों को डाउट है कि खेलेगा भी या नहीं खेलेगा, खेलेगा कन्फर्म खेलेगा। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में आ जाना, ऑलराउंडर सेक्शन में आने के बाद सबसे पहला पिक करना ए रिस्टन को, दूसरा प्लेयर पिक करना सैम पियर्स को, फिर आ जाना बॉलिंग में मोहम्मद कामरान, आतिफ मोहम्मद, ए गोडसेल, एलेक्स रसल, और यहाँ से एक प्लेयर आप इनकी टीम का ले सकते हो, हमजा को दर को ले लो या प्रिंस धीमन को, दोनों सेम लेवल के प्लेयर है, बट हमजा दर के चांसेस बॉलिंग के ज़्यादा है धीमन के कंपेरिजन में, लेकिन धीमन की बैटिंग हमजा दर से ज़्यादा बेस्ट है। तो अब आप किसके साथ जाना चाहते हो, बैटिंग के साथ या बॉलिंग के साथ, क्योंकि बैटिंग का तो मैं लगभग श्योर कह सकता हूँ कि ये लोग चलने वाले नहीं देंगे, मतलब चलने ही नहीं देंगे बैटिंग तो। हाँ बॉलिंग से अगर टीम के मान लीजिए बॉलिंग में भी वही कुटाई तो होगी, लेकिन कम से कम 2 ओवर करेगा तो विकेट्स के तो चांस होंगे, और हमजा सलीम तो बैटिंग टॉप में ही करेगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ मतलब टॉप में ही करें, और विनिंग चांसेस थोड़े इंग्लैंड के ज़्यादा है, इसलिए मैंने टीम भी उसी के फेवर में रेडी की है। ये मेरी इस मैच की स्मॉल लीग की टीम है, और इस मैच में जो मेरा कैप्टन है वो रहेंगे एलेक्स रसल,
और क्यों रहेंगे ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैं ये भी क्लियर कर दूँ, अगर एलेक्स रसल यानी कि इंग्लैंड की टीम बॉलिंग नहीं करती है तो उस केस में गेम पूरा चेंज होगा, मेरी टीम अलग ही होगी। अभी के लिए ये डेमो टीम है सिर्फ, कैप्टन एलेक्स रसल और वाइस कैप्टन डैन लिंकन। बाकी जो टीम्स के अंदर चेंजेस होंगे वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।